कल हम लोग प्रश्नावली 3.2 को समाप्त किए थे, आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 को शुरू करने जा रहे हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 तक पढ़ेंगे। कहाँ तक? 1 से लेकर 4 तक पढ़ा जाएगा। तो निकाल लेंगे प्रश्नावली 3.3 और इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए। क्या कह रहा है जी? सिद्ध कीजिए। देखिए, इन चार सवालों को बनाने के लिए आपको सबसे ज़्यादा याद रखना होगा जो सभी फलनों के थीटा का जो मान लिखवाया गया। जैसे साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है। उसी तरह सारे फलनों का मान याद होना चाहिए। जब सारे फलन का मान याद होगा तो प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक आपको किसी भी सवाल में कोई परेशानी नहीं होगी। याद है ना? याद है? बहुत लोगों को याद नहीं है और इसी के चलते सवाल में आप लोग थोड़ा सा दिक्कत में आइएगा, और जिनको याद है उनको दिक्कत नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। सवाल है सिद्ध कीजिए। क्या करना है? साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 का मान कितना लाना है? यानी LHS के बराबर किसको दिखाना है? RHS को। टेंथ में भी हम लोग पढ़े हैं LHS और RHS। ये है जो बायां पक्ष है, इसको क्या कहते हैं? और ये तो हम LHS लेकर चलेंगे कि RHS? कहने का अर्थ है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप LHS लेके चलोगे तो क्या लाना पड़ेगा RHS के मान को। अगर RHS लेके चलते तो किसके में लाना पड़ेगा? LHS के मान को। तो माइनस 1/2 से कभी ये आएगा? नहीं आएगा। और सिंपल सी बात है कि कभी भी ये देखा जाता है कि दोनों पक्षों में बड़ा पक्ष कौन है, मतलब कौन सा पक्ष आपको बड़ा दिख रहा है? LHS बड़ा दिख रहा होगा, RHS छोटा दिख रहा होगा। तो जो छोटा वाला होता है ना, उससे बड़ा वाला नहीं आता है जल्दी। बड़े वाले से कौन आ जाता है? छोटा वाला। मतलब क्या करते हैं? रुमाल से शॉर्ट सिया जाए, लेकिन शॉर्ट में रुमालो हो जाए, पोछो हो जाए, बहुत सारा काम हो जाए। काय के बड़ होला का होला और रुमाल का होला? छोट हो। तो चलिए हम चलते हैं LHS से। किससे चलते हैं? LHS से चलेंगे। इसको पहले उतारेंगे, लिखेंगे LHS से और इसको क्या करेंगे? उतार देंगे। अब यहाँ पे काम होगा, ध्यान से समझिएगा। साइन स्क्वायर का क्या लिखे हैं? पाई बटा छः का अर्थ क्या होता है? 30 डिग्री होता है। ये आपको जब मान लिखवाए थे तभी उसमें ऊपर ही लिखवाए थे कि इसका काम पड़ेगा सवाल बनाने में। फिर भी समझा देते हैं कि पाई बटा छः का 30 डिग्री कैसे आया। पाई का मान कितना होता है? 100। तो पाई बाई 6 निकालना है, तो पाई का मान 100 बटा में 6 3 कितने मर्द में? 30 डिग्री। तो पाई बटा 6 होगा, उसके जगह पर क्या लिखेंगे? कोई दिक्कत? उसके बाद कॉस स्क्वायर का जगह क्या लिखेंगे? अब पाई बाई 3 का जगह, कि पाई बाई 3 का मान कितना होता है? 60 डिग्री होता है। माइनस का 10 स्क्वायर का और पाई बाई 4 का अर्थ क्या होता है? बताना पड़ेगा फिर से कटा के। याद है, मान में लिखवाए हैं सब, ये इसका काम है यहाँ पे। अब देखिए, अब आपको याद होना चाहिए कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है?
और उसमें स्क्वायर लगा है तो घेर के इसमें क्या लगा देंगे? तो देखिए एक बटा दू का स्क्वायर लगा है, बोलिए, देख लीजिए सवाल में स्क्वायर है ना, यहाँ पे स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर, तीनों में क्या है? कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? एक बटा दो, उसमें भी क्या? टेन 45 का मान, उसमें भी क्या? स्क्वायर। समझ गए बात को? अब स्क्वायर तोड़िए, एक बटा दो का स्क्वायर का अर्थ होता है एक बटा दो में, एक बटा दो से कई बार गुणा है, तो एक है कम, आइए दो दूना है तो कितना आ गया? तो आपने यहाँ पे क्या लिखा? फिर एक बटा दो का स्क्वायर क्या होगा? एक का स्क्वायर का अर्थ हो एक में एक से, तो कितना आएगा? एक आएगा। यहाँ पे एक मिस्टेक है, बराबर नहीं होगा, क्या होगा? माइनस होगा। उतारते वक्त ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब ये चार इसके बटा में कुछ नहीं है तो चार चार एक का लघुतम कितना होता है? चार होगा ना, चार से भाग देंगे तो चार एक कम, और एक में एक से गुणा करेंगे तो, फिर चार में चार से भाग देंगे तो एक मर्त में आ जाएगा, एक से एक में गुणा होगा तो, लेकिन ये चार में एक से क्या होगा? गुणा हो जाएगा तो चार एक कम। अब प्लस में जो है उसको जोड़ दीजिए, तो प्लस में एक वो एक है, एक वो एक का एक होता है, दो होता है, माइनस में, अब बटा में, दो में से चार घटाएंगे, बटा कटाएंगे, दू एक कम, दो दूना कितना आ गया? क्या लाना था? यही ना लाना था, आ गया वही चीज़ नीचे की है, देख लीजिए, समझ रहे हैं ना? ये चार दो से चार घटाएंगे तो दो माइनस दो, और दू एक कम दू है दो दूना तो माइनस एक बटा। इस तरह हम कह सकते हैं कि एल एच एस बराबर, कोई दिक्कत? चलिए इसको उतार लीजिए, पहले चैप्टर का नाम लिख लेंगे, तो दो नंबर सवाल को देखेंगे। दूसरा सवाल है कि 2 sin² π/6 cosec² 7π/6 cos² π/3 है, और बराबर में आपको क्या लाना है? 3/2 लाना है, मतलब LHS से चलना है और RHS में 3/2 लाना है। RHS में क्या लाना है? 3/2 लाना है। तो लिखेंगे उसी से पहले सवाल की तरह LHS से, और LHS वाले जितने भी मान होते हैं उसको क्या करेंगे? उतार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद काम ये होगा कि 2 sin² का 2 sin² π/6 का π/6 प्लस का प्लस cosec² का cosec². अब इसमें बदलेगा क्या तो ध्यान से देखिएगा। ऊपर है 7π/6, कल आप लोग सवाल बनाए थे 3.2 का क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 जो बना था आप लोगों का, जो पाई हम जोड़ते थे, याद आ रहा है कल का कि कैसे पाई को जोड़कर उसको हटा कर केवल साइड वाले को लिख लेते थे। जैसे 7π/6 है, क्या है? 7π/6। अब पाई में कितना जोड़ोगे, मतलब पाई बाई 6 में कितना जोड़ोगे, कोई को पाई कि आएगा 7π/6 आ जाए, क्योंकि कल बताए थे आप लोगों को कि अगर बटा में कोई अंक है, बटा में क्या है, बटा में कौन सा अंक है? 6 है, तो 6 ऊपर पाई। अब इसमें क्या जोड़ोगे कि 7π आएगा, तो केवल क्या जोड़ देंगे? क्यों? क्योंकि 6 में पाई से गुणा होगा तो कोई को पाई, 6π या 1π जोड़ोगे तो आ जाएगा ना, इसलिए हमने यहाँ पे पाई प्लस क्या लिखा है? π/6 लिखा है, और फिर cos² π/3 का cos² π/3। कोई दिक्कत इसमें? बोलिए, ठीक है, रेस्पॉन्स कुछ दीजिए, हाँ नहीं। उसके बाद
टू साइन स्क्वायर पाई बाई सिक्स को क्या कहते हैं? फिर कॉसेक स्क्वायर को कॉसेक स्क्वायर पाई बाई सिक्स को क्या कहते हैं? और कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर पाई बाई थ्री को 60 डिग्री। ये तो सबको ही जानता है। अब मान रख देंगे, दो का दो बीच में गुणा, साइन तीस का मान कितना होता है, और उसमें क्या लगाएंगे? कॉसेक तीस का मान, उसमें क्या लगाएंगे? फिर कॉस 60 का मान, और उसमें क्या लगाएंगे? हाँ, समझ गए। अब इसके बाद दो का दो, एक बटा दो का स्क्वायर का अर्थ होता है एक बटा दो में कितना बार गुणा, तो एक एकम एक है, दो दूना तो एक बटा दो का स्क्वायर कितना होगा, और एक का स्क्वायर एक का दो का स्क्वायर 4। कहीं इसमें दिक्कत नहीं ना है? स्क्वायर का अर्थ समझते हैं ना आप लोग, क्या होता है? दो बार गुणा करना, ठीक है। आप देखिए, दो दो एकम, पहले तो इसका दो एकम दो नहीं करें, कटाएंगे, दो दूना 4 से ये 4, तो यहाँ पे एक बटा दो बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, तो एक बटा दो प्लस, आप लोग जब उतारिएगा तो इसको कटा लीजिएगा, ठीक है ना? आ जाएगा कटाना, ऐसे कटाइएगा, दो दूना और ये 4 से 4, फिर दो एक का लघुतम, दो एक का लघुतम दो, दो एकम दो, एक एकम, और दो में एक से गुणा होगा तो एगो दूगो बटा में क्या लाना था, इसलिए LHS बराबर, समझ गए। चलिए इसको उतार लीजिए। अब तीन नंबर सवाल समझेंगे। तीसरा सवाल है, कॉट स्क्वायर पाई बाई सिक्स प्लस कॉसेक फाइव पाई बाई सिक्स प्लस थ्री टेन स्क्वायर पाई बाई सिक्स बराबर, इसमें क्या लाना है? 6 लाना है। तो LHS से चलेंगे और LHS का टोटल मान क्या करेंगे, उतार देंगे और उसके बाद वाली प्रक्रिया करेंगे। पाई बाई सिक्स का अर्थ क्या होता है, कितना डिग्री? यहाँ पे क्या किया गया है डायरेक्ट समझ लीजिए आपसे, फाइव पाई बाई सिक्स है ना, उसको तोड़ दिया गया दो भाग में, पाई माइनस पाई बाई सिक्स, कैसे? इसके बटा में कुछ नहीं है तो एक और 6 का लघुतम 6 में पाई से गुणा होगा तो माइनस एक गो पाई, तो 6 गो पाई में से एक गो पाई घटाएंगे तो 5 पाई बटा 6 नहीं आ जाएगा? बोलिए, कोई दिक्कत है इसमें? इसलिए हम 5 पाई बाई 6 की जगह क्या लिख दिए हैं, पाई माइनस पाई बाई, तो ये तो खत्म हो जाता है, केवल क्या बचेगा, और पाई बटा सिक्स कितना डिग्री होता है? 30 डिग्री होता है। कितना होता है? तो इसके जगह पर हम क्या लिखे हैं, फिर 3 का 10 स्क्वायर का पाई बाई 6 का 30 डिग्री, तो तीनों का तीनों पाई बाई 6 है, तीनों का तीनों। कॉट 30 का मान देखिए कितना है, रूट 3 होता है, कितना होता है, उसमें क्या लगा है? कॉसेक 30 का मान कितना होता है, लेकिन इसमें स्क्वायर नहीं है, नहीं ना है, इसलिए स्क्वायर नहीं लगाएंगे। 3 का 10 30 का मान रूट 3 होता है, नहीं, 1/√3 होता है, क्या होता है, यहाँ पे छूट गया, 1/√3 होता है, कितना होता है, 1/√3 है ना। हाँ, अब रूट 3 का स्क्वायर का अर्थ हुआ कि रूट 3 में रूट 3 से कितना बार, दो बार गुणा करना है, तो 3 3 का 9 का वर्गमूल 3, 2 का 2
ये 3 का 3 और 1/√3 का स्क्वायर, 1/√3 का तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 होगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। तो आपने 1/√3 का जगह क्या लिख दिया? 1/3 लिख दिया। अब कटा देंगे, 3 का 3, 2 का 2, 3 से 3 तो क्या बच गया? 1। तो 2 को 3 को 5 को 1 को कितना लाना था? इसलिए LHS बराबर RHS। चलिए इसको भी उतार लीजिए। और आज के लिए अंतिम क्वेश्चन है ये 4 नंबर क्वेश्चन है कि 2 sin² 3π/4, 2 cos² π/4 और +2 sec² π/3 क्या लाना है? इसमें RHS में 10 लाना है, तो इसमें भी LHS से चलेंगे, किससे? और LHS के मान को उतारेंगे, किसके मान को उतारेंगे? LHS के मान को उतारेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टोटल किसका मान है? LHS का मान है। किसका मान है? LHS का मान है। अब यहाँ पे देखिए 2 sin² का 2 sin² और यहाँ पर क्या किया गया है कि 3π/4 को किस रूप में तोड़ दिया गया है? π-π/4। क्यों? क्योंकि 4 और 1 का लघुत्तम निकालेंगे तो 4 से 1 को π में गुणा होगा तो 4 को π-1 को π कै को पाई आएगा? 3π नहीं आएगा, 3π/4। और ये फिर से जैसे है वैसे उतार दिए। 2 sin² का 2 sin² π/4 का अर्थ क्या होता है? π/4 का अर्थ क्या होगा? अब π/3 का अर्थ 60 डिग्री। उसके बाद 2 sin² का 2 sin 45 का मान, उसमें क्या लगा है? 2 का 2 cos 45 का मान, उसमें भी स्क्वायर, 2 का 2 sec 60 का मान, 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? बोलिए। ठीक है, अगला स्टेप देखेंगे। 2 का 2 1/√2 का स्क्वायर का अर्थ होता है 1/√2 में कई बार गुणा, 1 है कम और √2 में √2 से गुणा होगा तो 2 दूना 4। 1/4 का वर्गमूल कितना होता है? 4 का वर्गमूल कितना होता है? तो इसका मान कितना आ गया? 1/2 आ गया। क्या आ गया? तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है? 2 का 2 और इसका स्क्वायर कितना लिखा है? फिर 2 का 2 इसका स्क्वायर कितना आएगा? 2 का 2 और 2 का स्क्वायर का अर्थ हुआ 2 में 2 से, तो 2 दूना 4। समझ गए? अब कटाने वाला कटा दीजिए, 2 से 2 2 से यहाँ पे क्या बचा? उसके बटा में कुछ नहीं बचा तो 1, फिर 1 के बटा में 1 और 2 चौका 8। आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो या जोड़ घटाव कर सकते हो। 1 1 1 का लघुत्तम 1 ही होगा, 1 गो 1 गो 8 गो कै गो होता है? 10 गो, 1 से 10 में भाग देंगे तो आ गया, इसलिए LHS बराबर। तो आज के लिए हमारे ये 4 क्वेश्चन हुए और आगे कल हम लोग पढ़ेंगे। चलिए इसको भी उतार लीजिए।